नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए 1 ईयर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी है, तो ये आपको बहुत सारे रीजन्स के लिए निकाला गया, जैसे कि साउदर्न रीजन्स के लिए, नॉर्दर्न रीजन के लिए और वेस्टर्न रीजन्स के लिए। तो इन सभी को आप लोग जो है यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसमें वैकेंसी जो है वो कितनी निकाली गई है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियली अप्लाई करना होगा। यहाँ पे लिंक आपका दिया हुआ है कि क्लिक हियर टू अप्लाई, और यहाँ पे आप पोस्ट भी देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन कीजिएगा पीडीएफ को, तो यहाँ पे आप जो है वो सारा डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है टोटल वैकेंसी इसमें 22 है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जिसमें कि ग्रेजुएशन जिनका भी होगा तो उनके लिए 5 है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वो 11 वैकेंसी है टोटल। और इनको देखिए जो स्टाइफंड मिलेगा तो वो 15,000 रुपीज़ ये दिया जाएगा पर मंथ। और उसके बाद फिर देखिए जो डिप्लोमा के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए टोटल इसमें 26 है, और उसके बाद सिविल वालों के लिए डिप्लोमा में जो किए होंगे उनके लिए 11 है। और जो इसमें देखिए अगला आपका दिया हुआ है असिस्टेंट एचआर के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे टोटल जो है 14 है। तो इस तरीके से और भी एक और आपको दिया हुआ आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ये है 30 वैकेंसी है इसकी। और कितना जो आपको स्टाइफंड मिलेगा तो ये भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। और इसका देखिए जो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, यानी कि ये जो पोस्ट आपका भी निकाला गया है, ये साउदर्न रीजन का है जिसमें कि आपको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में जो है यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 9/6/2020 से लेके 29/6/2020 तक। और इसमें एक चीज नोट करने, ये चीज आपको करना है यहाँ पे कि जैसे वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा जिन्होंने जो है अपना फाइनल ईयर 2 साल पहले ही इन्होंने कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। जब आपका डेट जैसे ये दिया हुआ है आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6/2020 का, तो इसके 2 साल पहले ही आपका जो है पास आप लोग हो चुके होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये चीज क्लियरली इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ है, अदरवाइज जो है आप लोग इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले आपका 2 साल पहले ही का पास आउट होना चाहिए आपका। तो इसी तरीके से देखिए और भी जो रीजंस के हैं, जो कि ऑलरेडी ये पहले ही ये अप्रेंटिसशिप पोस्ट का जैसे वैकेंसी आ चुकी थी, तो ये इसको आप लोग यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करके देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो है इन सभी जोन्स का, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो वो भी आपको यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये वाला जो पोर्शन आपका है, तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल का 25 है, सिविल का इसमें देखिए 5 है, और एग्जीक्यूटिव एमबीए का इसमें 5 है, और फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों का 40 है, डिप्लोमा सिविल वालों का 10 हो गया, और आईटीआई इलेक्ट्रिकल वालों का इसमें 40 वैकेंसी है। तो ये जो है आपके नॉर्दर्न रीजन्स के हैं। तो इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं, वहाँ पे एक और आपका आया हुआ था ये जो पहले ही, तो इसको आप लोग अप्लाई कर देना जिन लोगों को इंटरेस्ट है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। हालांकि ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, ये 1 ईयर के लिए ही आपका रहेगा। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।